जनता कह रही है शिवराज की होने वाली है विदाई। कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वे पूरे राज्य में जा रहे हैं तो हर जगह की जनता कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई होने वाली है। विधानसभा चुनाव के तहत कमलनाथ रविवार 12 नवंबर को सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां जनसभा में उन्होंने वादा दोहराया कि हमारी सरकार आने पर गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। कमलनाथ ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं 27% ओबीसी आरक्षण का कानून लाया था। जाति जनगणना की बात बहुत पहले से कर रहे हैं। सभी चुनाव के अपने महत्व होते हैं। 17 तारीख को होने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। इसलिए अब आपको तय करना है कि मध्य प्रदेश को किस ओर और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया है। कमलनाथ ने आगे कहा, शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। तब मैंने उनसे कहा था कि आप 1 लाख छोड़िए, जो बैकलॉग भर्तियां हैं और जो खाली पड़े पद हैं उन्हें ही भर दीजिए। सीएम शिवराज की नीयत को समझना होगा। कमलनाथ ने कहा कि आपको शिवराज सिंह चौहान की नीयत को समझना होगा। शिवराज की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, जनता मुझे बताती है कि शिवराज सिंह चौहान को वो विदा करने वाले हैं और अब नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, फिर शिवराज सिंह चौहान किस काम के। कमलनाथ ने कहा कि पिछले 44 साल से छिंदवाड़ा में जनता ने मुझे मौका दिया है और हमने वहां काम करके दिखाया है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो छिंदवाड़ा जाएं और देखें कि वहां कैसे रोजगार के मौके बनते हैं। हमारी सरकार आने पर ऐसे ही रोजगार के मौके सागर और रहली में भी देना चाहते हैं। प्यार से शिवराज चौहान को करने वाले हैं विदा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने जनसभा में कहा है कि मैं प्रदेश भर में घूम रहा हूं और जनता मुझे बता रही है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो बहुत प्यार से शिवराज सिंह चौहान को विदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को होने वाला चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। अब पुलिस प्रशासन और पैसा झूठे प्रकरण और गुलामी का समय समाप्त होने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।